केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। अब कोई भी गोद नहीं रहेगी सुनी, इस उद्देश्य को लेकर प्रेम हॉस्पिटल का शुभारंभ हो गया है। ट्रॉपिक मॉल के पास इस अत्याधुनिक हॉस्पिटल का भाजपा सांसद महेश शर्मा व ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेम हॉस्पिटल मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के निदेशक डॉक्टर आरती शर्मा ने कहा कि हॉस्पिटल का मिशन अब कोई भी गोद नहीं रहेगी सुनी है। अब संतानों से वंचित दंपत्ति के जीवन में IVF द्वारा इलाज देकर खुशियां लाई जाएंगी। इसके लिए उनकी पूरी टीम अब और उच्च चिकित्सा देने के लिए समर्पित है। नए परिसर में NICU, बाल चिकित्सा, पैथोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी, यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी, कैंसर सर्जरी आदि चिकित्सा सुविधाएं प्रमुख डॉक्टर द्वारा दी जाएंगी। पहले देखिए क्या बताया डॉक्टर अनुज शर्मा ने। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे इन्विटेशन पे यहाँ आए। और मैं डॉक्टर अनुज शर्मा, हम लोग एल ब्लॉक में 94 थे, एक अपना छोटा एक हॉस्पिटल चला रहे थे जिसमें हम ऑप्स गायनी सर्जरी और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का काम करते आए हैं। पर अब जो टाइम आ रहा है आधुनिक मशीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे मापदंड पूरे करना, जैसे NOC फायर का जो भी है रिक्वायरमेंट, पार्किंग रिक्वायरमेंट, तो जगह बड़ी चाहिए थी। दूसरा हॉस्पिटल हो गया था, हमारे यहाँ लोग IVF कराने आ जाते थे बट डिलीवरी कराने नहीं आते थे कि एम्बियंस वो वाली नहीं है। तो जो फैसिलिटीज मेट्रो में है आपके पास, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अगर आप मैक्स या इससे कंपेयर करेंगे तो कोई भी चीज की कमी हो। और अभी हम डेवलपिंग फेज में हैं, हम ये हॉस्पिटल ऑफिशियली इनॉग्रेट हम आज कर रहे हैं पर करीबन 6 हो गए हमको उसके करते हुए, फेसिस में जैसे डेवलप हो रहा था उस हिसाब से हम उसको करे जा रहे थे। मैं सर्जन हूँ, मदर वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, पापा डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो पहला फेज तो यही है कि हम पहले अपनी ही जो फैसिलिटीज है, जो सर्विसेज है, उनको एक हाई एंड पे लेके जाए। जो भी लेजर मशीन आजकल ऑपरेशन में यूज होती है, जो दूरबीन से जो ऑपरेशन बहुत सरल बना देती है, वो सब चीजें हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। और आयुष्मान का हमने सर्जरी का पैनल लिया है क्योंकि सर्जरी काम अपने हाथ का करना है, और बाकी पैनल हमने नहीं लिए क्योंकि बाकी डॉक्टर्स धीरे धीरे अटैच हो रहे हैं, तो आगे आगे इसको भी एक्सटेंड करेंगे जब हमें बाकी इन हाउस डॉक्टर्स मिल जाएंगे। कैसे विरोधी बहुत सारे हैं बट आप जैसे चाहने वाले भी बहुत है जो सपोर्ट करते हैं हर तरह की प्रॉब्लम में। तो स्पेशली सरोजनी मैम का पूरा परिवार, उपी अग्रवाल सर, हिमानी मैम, आउटस्टैंडिंग सपोर्ट है शिवानी मैम, उन लोगों का हमारे लिए, और सही के साथ खड़े हैं मैम। जो भी लोग बोल रहे हैं, कोई हमारे पास नहीं आता, हमारे पेपर देख ले एक बार किस वहम में बातें बोल रहे हैं, उसका तो कोई एक्ट नहीं। इस मौके पर भाजपा सांसद महेश शर्मा ने यह कहा। बहुत खूबसूरत और पूरी तरह इक्विप्ड हॉस्पिटल, जो एज ए चिकित्सक के नाते मैं कह सकता हूँ कि अपने आप में एक संपूर्ण हॉस्पिटल है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त है। क्योंकि आने से पहले मैंने और मेरे छोटे भाई सुमित तोमर जी, जो उम्र में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन संस्कारों में मुझसे बड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगी जी और मोदी जी की कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, आज हमारे बीच में हैं। मैं बधाई देता हूं छोटे भाई अनुज और प्रिया आरती को, जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है इस मेरठ शहर में, मेरठ की पहचान। जब मैं नोएडा में 42 साल पहले आया तो मुझे बताया गया था कि मेरठ जिला है हमारा, फिर वो बुलंदशहर हुआ, फिर बुलंदशहर से गाजियाबाद गए और अब कहीं जाके नोएडा अलग जिला बना, गौतम बुद्ध नगर जिला बना है। आज उस मेरठ प्रांत की जब अगर हम बात करें तो चिकित्सा सुविधाओं में
और वह भी एक बहुत अच्छी शुरुआत की है पूज्य माताजी जिनकी प्रेरणा से, माताजी श्रीमती प्रेम और पिताजी आरपी शर्मा जी। एक माता पिता को जितनी खुशी होती है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, और सच तो है कि माता पिता और गुरु ही अपने जीवन काल में अपने पुत्र को अपने से आगे बढ़ता, अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। माता पिता की खुशी मैं उनके चेहरे से पढ़ पा रहा हूँ, और प्रिय अनुज को भी और आरती को भी बधाई देता हूँ कि उनकी ये सोच, उनकी ये संकल्प, इस हॉस्पिटल का नाम मैं अपनी माता जी के नाम रखूँ। माँ का विशेष तौर पर बेटे का प्रेम होता है, और बहू का प्रेम हो जाए तो इसका मतलब फिर तो सोने में सुहागा है। आरती को खास तौर पर बधाई, इसको तो लड़ाई नहीं हुई थी ना कि अभी थोड़े दिनों बाद ये भी दिक्कत है। वैसे तो वो सर्जन है, दोनों ही सर्जन है, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं होगा। मेरे साथ ही बड़ी दिक्कत होती, मेरी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट थी, और राजनीति में जब मैं जाता था तो पुराने टाइम से आज भी मुझे ये पता चला है कि प्रिया आरती की क्लाइंटेज यहाँ बहुत ज़्यादा है, हर चार घर छोड़ के कोई ना कोई डिलीवरी उसने करा रखी है। तो जब मैं राजनीति में वोट मांगने जाता था तो पत्नी को साथ ले जाता था, उमा। मेरे घर में भी पिताजी का नाम कैलाश, जिनके नाम पे हॉस्पिटल है, मेरा महेश, पत्नी का उमा, और जब मैं जाता था तो उसके नाम पे मैं वोट मांगने नहीं जाता था, वो ही मुझे चुनाव जिता देती थी। तो मैं आरती को आशीर्वाद दे रहा था, मैंने कहा देख सकते हो तुम, और अनुज को कह रहा था कि तैयारी कर लो कि कहीं आगे आने वाले समय में, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट की अपनी ये छवि बन जाना कि क्षेत्र के अंदर, गायनी के अंदर इतना नाम बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और वो प्रिया आरती ने बनाया है, राज उसी की देन है ये अस्पताल में। साथियों, ये चिकित्सा का पेशा मुझसे कई लोग पूछते थे, तुम महेश अच्छे खासे चिकित्सक थे, राजनीतिक जीवन में क्यों आए, इस सामाजिक जीवन में क्यों आए। मेरे सामने बैठे हैं हमारे समधी साहब बैठे हैं, आगरा से खड़े हो जाओ रवि जी, रवि पचौरी जी हैं, आगरा से आए हैं, और मेरे और अनुज के बीच। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अपने संबोधन में यह बताया। हमारे अभिभावक और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के जो बहुत ही विश्वसनीय है, ऐसे हमारे अभिभावक आज हम लोगों के बीच में है, और ऐसे शुभ अवसर पर वो हमारे बीच में है। मैं हृदय से उनका मेरठ में भी और अपनी विधानसभा में भी स्वागत करता हूँ। हमारी महिला आयोग की सदस्य बहन हिमानी अग्रवाल जी, मैं पूज्य माता जी और पिताजी दोनों का, क्योंकि उनका आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है, डॉक्टर अनुज जी, आरती जी, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय जयकरण जी भाई साहब, आदरणीय पचौरी जी भाई साहब, हमारे पिछड़ा मोर्चे के अध्यक्ष भाई आयुष जी, राहुल जी, सभी शहर के सम्मानित लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु। डॉक्टर साहब ने पूरा विषय रख दिया, और डॉक्टर साहब के भूलने के बाद कोई विषय बचता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, मेरठ में अच्छी शुरुआत हो रही है, और ये संभव इसलिए हो पा रहा है कि 2017 के बाद जो योगी जी की सरकार बनी, उस सरकार के कारण ही जो माहौल आज बदला है उत्तर प्रदेश का, ये सिर्फ महाराज जी की देन है और आप लोग का आशीर्वाद। हमारे कमल किशोर जी हमारे एसडीएम यहाँ पर उपस्थित है, देखिए सभी के सहयोग से कोई अच्छा काम होता है, और मैं ये भी मानता हूँ, देखिए साजिश तो हमेशा होती है, लेकिन योगी जी की सरकार में साजिशें कामयाब नहीं हो सकती। प्रयास तो लोग करते हैं डिस्टर्ब करने का, लेकिन जिस तरह से मेरठ आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब का विशेष आशीर्वाद हमेशा, मेरठ और नोएडा में कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया भी कि नोएडा पहले मेरठ का ही पार्ट था, आज भी डॉक्टर साहब बेशक नोएडा, लेकिन मेरठ उनकी प्रायोरिटी पे रहता है, और मुझे ये विश्वास है, हमारे जितने सम्मानित लोग बैठे हैं, आज से एक साल के अंदर ये मेरठ और बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह के काम चल रहे हैं माननीय मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार में, मेरठ को प्रायोरिटी पर लेकर सभी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा पेशा है
जहां भगवान का दर्जा हम डॉक्टर्स को देते हैं। और इस क्षेत्र के बारे में डॉक्टर साहब से ज़्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब का जितना अनुभव है और उनका एक्सपर्टाइजेशन इसी में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से मेरठ एक अच्छा काम हुआ है, उसमें हम सब लोग साथ हैं। आप इसी तरह से इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।